Hey guys, welcome back to my new another vlog. काफी दिनों के बाद भाई vlog की स्टार्टिंग हो रही है. और यू भाई मेरा नेचुरल ग्लो है जो मेरे फेस पारा. और ये थोड़े पिंपल विम्पल तो निकल रहे हैं. ये तो गर्मी की वजह से निकल रहे हैं. भाई मैं रूम में सोऊं और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ा है. काफ़ी दिन बाद भाई व्लॉग भी आ रहा है. तो जनता जैसा पहले से प्यार सपोर्ट बना रहे हो ऐसे ही बनाए रखियो. तो यही सीन था. अभी जा रहा हूँ मैं अपनी माँ जी को छोड़ने के लिए स्टेशन. कोई मतलब हमारी रिश्तेदारी में है, माँ जी की रिश्तेदारी में कोई एक्सपायर हो गया तो माँ जी उधर जा रही हैं. तो चलते हैं स्टेशन छोड़ के आते हैं. कोई भाई काफ़ी दूर जाऊँ मैं. और मैंने तो मना भी करा भाई मत जा करो, तुम्हारा बीपी वगैरह हाई रह रहा है तो अपने घर रहो, बस की नहीं है, कोई ज़रूरत ना है जाने की. जब भाई जब तक इंसान के बस की है तब तक चले जाओ, जब तक कोई दिक्कत नहीं है. जब बस की ना तो इंसान बीगा ही कहाँ तक जाएगा. और ये पैशन प्रो पापा वाली इस बाइक का भाई हो गया चैन सेट ख़राब. और ये मेरी डिस्कवर इसका भी ख़राब है, बट हाँ चल जाती है अपने मतलब सही है. तो भाई इन दोनों का चैन सेट भी डलवाना है. और आज गुलाबटी से अपनी घर का थोड़ा बहुत सामान भी लेगा ना, तो इस वजह से मैंने सोचा था भाई व्लॉग बना ही लूँ. तो चलते हैं, पहले माजी को छोड़ कर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेशन पर आए भाई हम काफ़ी दिनों बाद. अरे यहाँ आके फीलिंग ऐसी आवे कहीं टूर मार दो ट्रेन से. और गैल में हमारे रोहित मुखिया साहब टिकटॉक स्टार रह चुके हैं, बट इनकी किस्मत ने भी कुछ साथ ना दिया, टिकटॉक बैन हो गया, करियर ख़त्म हो गया. फिर चला यार अभी और देखो ये कि हाँ नया ट्रैक और बनना, पुल वगैरह बन गए, तरक्की हो रही है अपनी साइड. और गाँव मंचो बढ़िया वैसे हमारा काम ईशापुर हो गया. चलो ईशापुर भी धोरे पड़ गया, मुहाने हो गया, सनोटे हो गया. स्टेशन हमें प्रोवाइड हैं, आधी पब्लिक का भाई ये चीज़ प्रोवाइड ही ना है. तो यार चीज़ की तो खुशी मिला है, ये सब चीज़ दो रही है. बस स्टैंड भी ला है और स्टेशन भी ला है और मेन हाईवे हो रहा. बस चाहिएगा जिंदगी में इतना कुछ ही चाहिए. अब चलें घर पहुँच कर अपने गुलाब टेक जाना, फिर काम मिलना देखेंगे. अब पीछे का मौसम हो रहा बहुत तगड़ा. भाई मैं आ गया घर और घर आ कर भाई तुम्हारा भाई सीधा एक काम करने लग गया. पीसी खोल दिया मैंने पूरा क्योंकि मुझे साफ सफाई करनी है उसकी, उसमें धूल मिट्टी चली गई थोड़ी साफ वगैरह करके रख दें क्योंकि भाई हर मंथ में पीसी की सफाई होनी जरूरी है. तो दिखाता हूँ मैंने क्या क्या कराया अभी क्या करनी करा. भाई ये थी कुछ अपनी टेबल भाई मैंने बनवाई नहीं है, मेरा यही काम बढ़िया कर रही है. बस चेयर लेकर आनी है, अब चेयर लेके आ जाऊँगा मैं, प्रैक्टिकल ख़त्म. ये मेरा मिरर है, ये भी हटेगा, ये इधर लगेगा रील्स वगैरह बनाने के लिए. इसको पीसी को मैं इस टाइप से लगा दूंगा, यहाँ पर बोर्ड लगवाऊंगा. मेरे मामा जी मतलब लगा के गए थे, उधर लगा दिया था क्योंकि मैंने बोला था उधर ही लगा दो, तो अब वो यहाँ पे लगा के चले जाएंगे इसको. और भाई यहाँ पे शीशा हो जाएगा, यहाँ पे अपने रील वगैरह बैठ के बना लूँगा और उसको आज लेके जाऊँगा, उसमें कुछ लिखवा के लेके आना है मेरे को. तो भाई मतलब आज बहुत कुछ काम है जो मुझे करने हैं, निपटाने हैं. और ये रहा पीसी, मम्मी भी शोर मचा रही हैं. तो ये भाई इसके अंदर के देखो कुछ ऐसे पार्ट रहे हैं. तो इधर भाई पूरे धूल मिट्टी जमी हुई थी, अभी साफ़ करिए. और अभी इनको रैम वगैरह को निकाल के और ग्राफिक कार्ड को निकाल के साफ़ करूँगा और फिर इसको ऐसे ही लगा दूँगा. तो करते हैं इस काम को. और भाई इसकी हो चुकी है साफ़ सफाई डन. अब देखो कहीं पर भी डस्ट ना मिले, तो मैं एकदम क्लीन कर दिया तुम्हारे भाई ने. और फिर मैंने थोड़ी सी टाइम लैप्स भी बना ली थी, जैसे भी मेरे से हुआ रैम वगैरह निकाल के साफ़ कर दिया. एसएसडी थोड़ी सी भाई ढीली हो रही थी, ये टाइट किया है. और ग्राफिक कार्ड पे से ये भी क्लियर कर दिया, मतलब जो मेरे से आ गया मैंने वो कर दिया. ज़्यादा मैंने छेड़छाड़ी नहीं करी क्योंकि भाई मेरे पे इतना ज्ञान ना है और फालतू का ज्ञान लगाना भी नहीं चाहिए, कभी नुकसान ही देकर जाएगा. और भाई ये इतना मैं हैवी पीसी है, अगर इसमें थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो 20-30-40 हज़ार रुपये गए आराम से. तो करते हैं शीशा लगाते हैं इसको और टेबल वेबल को भी सेट करते हैं. टेबल तो जब मामा आएंगे तब भी सेट करेंगे, जब बोर्ड लग जाएगा अभी थोड़ा इधर कर देंगे इसको. और इसको भी साफ़ सफाई करते हैं, इन सब की भी अभी की बोर्ड वगैरह की. तो लगाते हैं इसे. गाइस दुकान से को प्यास लग रही है इसे, यहाँ देखो ट्रैफिक कितना तगड़ा हो रहा,
अच्छा मैम हुआ बड़ा। अरे ठग रहे ठीक कर गए, पैसा बना रहे। अबे आ ना भाई, मैं पीसीबी से सेट वेट पर खा रहा यहाँ पे गुलाब की काम सु। अभी तुम्हें बताएंगे क्या काम करवाना है। यू दिख रहा अभी शॉप पे पहुंचन तो फिर बताऊंगा क्या करवाना है इसका। चले पहले भाई अब बताएंगे तुम्हें इसमें मतलब करवाना क्या। हमें यूरा चीता काम कर रहा है अपना लग रहा। ले भाई सिस्टम, अब हुआ सिस्टम हैंग तो लग रहा क्या हवा हवाई हो रहा कत ही। देवा भाई का लो दर्शक और जुड़ चुके हैं हमारे शेखर, शेखर की स्माइल गड्ढा पड़ता फुल और अंशु ले रहा। अरे आदि मानव यूरा आयु हमारा सिस्टम ही होगा तैयार भाई, मास्क लगा के हूं मैं। बस बहुत बढ़िया चीते बहुत बढ़िया सिस्टम बना इसकी नाड़ काट। सिस्टम बना इसकी नाड़ काट अरे इसे साफ करके लगाइए ऊपर की। ये तो ये तो पावला इसी कलर में चार चार दे दो पैक कर दो। अभी इसे घर जाकर जब लगाएंगे ना लाइट पाइट पे जब आवे इसमें मजा। अभी आया जस्ट मतलब थक गया और धूल मिट्टी में यार मेरी फुंसी फुंसी इन पर और दिक्कत सी आ गई होगी। और मैंने वो देखो पीछे लगा दिया जो बोर्ड है करवा के लेके आया हूँ अपने पीछे नाव में फ्रेम में लगवा के। तो अभी तो मैं दिखा रहे हैं कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा भाई। ऐसा कुछ अपना रूम है यहाँ पे शीशा लगा दिया। आपको इंस्टाग्राम पे मतलब रील वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, रील भी अपलोड किया करूँगा। पहले ये इधर था अब ये निशान आ गया, इनको भी भाई गायब करना थोड़ा सा काम करा के। और ये शीशा आ गया हार्ड वर्क का भाई इधर है और लो दिखा दूँ क्या तुम्हें। 1 2 3 सिस्टम भाई इसमें जलती है लाइट। इसका तार मैं इधर ऊपर करवाऊंगा एक छोटा सा बोर्ड लगवा के, जब देखियो कितना तगड़ा लगेगा पर फिर भी मस्त लग रहा। तो यही है अपना रूम कर दिया पूरा का पूरा सेट यही था। काफ़ी दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला, मैंने सोचा भाई बना लूँ और गेमिंग चैनल बना रहा हूँ भाई। कमेंट में नीचे बताओ गेमिंग वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर गेमिंग वीडियो डालूँगा उसी पर ओमेगल भी वीडियो डाल दे करूँगा। मतलब पीसी गेम भी बीजीएमआई भी सब चीज़ मतलब उसमें मिलेगी तुम्हें ऑल टोटल। और अभी मैं राजस्थान भी जाऊँगा तो 7-8 दिन के लिए अपने चाचू के पास, तो फिर उसके बाद ही गेमिंग चैनल बना, उसके पहले गेमिंग चैनल बना के फिर जाऊँगा। फिर 6-7 दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं 1-2 वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो बताना कमेंट में कैसा लगा कैसा नहीं लगा और चैनल के भी बताना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए या व्लॉग में ही खुश हो तुम तो भाई बता दियो जैसा भी लगा। तो ठीक है।